हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बिहार एसटीईटी, बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट और बिहार में सरकारी जॉब से संबंधित खबरों को कवर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कोर्ट केस से रिलेटेड एक अपडेट पे। आप केस नंबर दे होंगे, इसकी एक हियरिंग की डेट यहाँ पर लिखी हुई है 29 जून 2020, मतलब एक दिन छोड़ करके इसकी हियरिंग की डेट लिखी हुई है यहाँ पर। आप दूसरी जो डिटेल हैं, जो पेटिशनर हैं, जो केस का नंबर वगैरह आप देख सकते हैं। बाकी 29 जून को क्या होता है इस पर नज़र बनाए रखेंगे। अगर पहली हियरिंग होती भी है इस डेट को तो उसका क्या आउटकम होता है, टाइम बताएगा, इस पर नज़र बनाए रखेंगे। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी, इंटर की पढ़ाई अब हाई स्कूलों में होगी। ये आज के अखबारों में है, कई शहरों के अखबार में ये खबर छपी है। और सबसे पहले देखें कि यहाँ पर जिस तरह से खबर को प्रेजेंट किया गया, इससे ऐसा लग रहा है कि अभी तक 10th क्लास का जो स्कूल है वहाँ पर कहीं भी प्लस टू की पढ़ाई नहीं हो रही थी, जबकि ऐसा नहीं है। कई जगहों के स्कूलों में ऑलरेडी ये पढ़ाई हो रही है। ये बात अलग है कि अब सरकार ने कुछ और स्कूलों को अपग्रेड किया है और ये टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि स्कूल अपग्रेड होगा तो वहाँ पर उस सब्जेक्ट की टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो खबर को पढ़ते हैं नीचे। अब इंटर की पढ़ाई हाई स्कूलों में होगी। इंटर में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले बिहार बोर्ड ने हाई स्कूल में 9वीं और 10वीं स्तर को इंटर की मान्यता दी है। कई स्कूल जहाँ पर अभी तक 10th क्लास तक की पढ़ाई होती थी, वहाँ पर अब इंटर के लिए वहाँ पर जो रिकग्निशन था उसको दे दिया गया। इन स्कूलों को इंटर अकॉर्ड आवंटित कर दिया गया है। प्रदेश भर में लगभग 400 स्कूलों को प्लस टू में अपग्रेड किया गया है, 400 स्कूल। और आपको याद होगा जो अपग्रेड स्कूल हैं ये सिर्फ 11-12 की बात हो रही है, अभी जो बात हो रही है। इसके अलावा कई सारे जो ग्रामीण इलाकों में मिले, जहाँ तक 8वीं की पढ़ाई होती थी, वहाँ पर 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई के लिए भी कई बार खबर आया है, कई बार सरकार की तरफ से नोटिस आया है। प्रदेश भर में लगभग 400 स्कूलों में प्लस टू में अपग्रेड किया गया। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, जो नया नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी थी वो सिर्फ 11-12 क्लास के लिए ही थी, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 400 स्कूलों को प्लस टू में अपग्रेड किया गया है। तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से 1000 वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी? क्योंकि अभी आपने थोड़ा दिन पहले ही बिहार सरकार का नोटिस देखा, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी स्कूल में 6 से ऊपर टीचर नहीं रखे जाएंगे। अब जहाँ पर 6 से ज़्यादा टीचर हैं उनको कहीं और भेजा जाएगा, ताकि और जगह जहाँ पर टीचर की कमी है वहाँ पर मैनेज किया जा सके। तो ये बात तो क्लियर है कि एक ही स्कूल के अंदर एक ही सब्जेक्ट का एक से अधिक टीचर नहीं रहेगा, अगर रहेगा भी तो एक, अगर कंप्यूटर का रहेगा भी तो एक, और हर एक स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती है, ये भी सबको पता है। यहाँ पर 400 स्कूलों को अपग्रेड करने की बात हो रही है, जो कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें नीचे लिखा हुआ है, राज्यकृत उच्च विद्यालय गंगहारा दानापुर की माने तो स्कूल के आसपास कोई दूसरा स्कूल नहीं है। ऐसे में छात्राओं को 11वीं में नामांकन के लिए दूर जाना होता है। इस बार 11वीं की नामांकन में शंकायवार सीटें कम हैं। राइट साइड पर अगर देखें तो लिखा हुआ है, अब मैट्रिक करने के बाद विद्यार्थी अपने ही स्कूल में आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। स्कूलों को तीनों संकाय 120-120 सीटों पर नामांकन के लिए बोर्ड ने अनुमति दी है। ये जो प्राचार्य हैं राजकीयकृत उच्च विद्यालय चिरैया डाड़ी, पटना की खबर है। ये दोनों जो बातें हो रही हैं ये पटना के स्कूल्स के थ्रू ही खबर आई हैं। पर इस बात पर आप नोट डाउन हमेशा कीजिए, इस बात को आप गौर कीजिए कि सरकार ने खुद कहा कि 6 से अधिक टीचर नहीं रहेंगे, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि 400 स्कूल ही अपग्रेड होंगे बिहार भर में, और 1000 सीट कंप्यूटर के नए अपग्रेडेड स्कूल में अलाउ किया गया है। तब स्कूल ही जब 400 किया गया है तो फिर वो कैसे मैनेज होगा? जो पुराने स्कूल, जो पुरानी वैकेंसी थी 1673, वो एग्जिस्टिंग थी, वो पहले से स्कूलों में जहाँ पर सीट है कंप्यूटर साइंस टीचर का, उनके लिए था। तो ये जो पूरा जो गड़बड़ झाला है नंबर्स का खेल है, इसको आप समझिए। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिहार बोर्ड में 34 पदों पर वैकेंसी। ये बिहार बोर्ड है, बिहार एसटीईटी को लेने वाला बोर्ड है, जिसने पहले एग्ज़ाम को लिया था, नोटिफिकेशन निकाला था, वहाँ पर 34 पदों पर वैकेंसी आई। इस खबर को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। पर इसमें सबसे अजीब बात यह है कि इसमें उन लोगों को जॉब दिया जाएगा जो लोग रिटायर हो चुके हैं। आप यहां पर देखिए, आप इस पूरे हिस्से को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल बॉटम पे देखिए, सेवानिवृत्त, जो सेवारत, जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं या जो जॉब से रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए ये जॉब है। ये कितना अजीब बात है कि जहां
छोटी सी वैकेंसी आती है बिहार में या ऑल इंडिया लेवल पर लाखों की तादाद में कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, वहाँ पर उनकी तरफ ना ध्यान दे करके जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या जॉब कर चुके हैं उनको मौका दिया जा रहा है। तो ये स्ट्रेटजी है सरकार की। अभी आपके स्क्रीन पर है, बीपीएससी ने कई विषयों के कट ऑफ में बदलाव किया। बीपीएससी ने थोड़ा टाइम पहले, कुछ साल पहले एक्चुअली लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम लिया था और बीपीएससी ने इस अपने इस एग्ज़ाम में काफ़ी गड़बड़ झाला किया। कई लोग जिनके मार्क्स कम थे उन लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, जिनके मार्क्स ज़्यादा थे उनका नाम नहीं आया। इस पर कई कोर्ट हुआ, कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस के बाद इसमें कई सारे चेंजेस हुए और अब कट ऑफ में बदलाव किया गया, वो आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है कि बिहार में सारे बोर्ड चोर हैं, कोई कम चोर है, कोई बहुत ज़्यादा चोर है, बेल्ट्रॉन जैसा जो खुला फ़ोन पर बात करता है कि आओ पैसा दो और जॉब लो, और कोई छोटा चोर है जो कभी कभार पकड़ा जाता है। पर कुल मिला के बोर्ड, सभी बोर्ड का यही हाल है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हमने बिहार एसटीईटी का जो अपडेट था, कोर्ट केस का, जो स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं उसका, और भी कई खबरों को कवर किया। बाकी बिहार में जॉब से संबंधित या एसटीईटी टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई भी खबर आई तो इस चैनल पर अपडेट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।